ये खबर राजनीति से है जो बीजेपी को झटका देने वाली है। बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। पारुल साहू ने कांग्रेस में आते ही सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पारुल के चुनावी घमासान में उतरने से गोविंद सिंह राजपूत के सभी गणित फेल हो सकते हैं। पारुल साहू पहले भी एक बार गोविंद सिंह राजपूत को शिकस्त दे चुकी हैं। उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। सुर्खी सीट से पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सीधे चुनौती दे डाली। गौरतलब है कि भाजपा के टिकट पर सुर्खी से 2013 में पारुल साहू चुनाव लड़ी थी और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हराया था। कांग्रेस की सदस्यता लेने के साथ ही पारुल साहू ने कहा कि वह सुर्खी की जनता की आवाज बनकर अहंकार और डर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। पारुल ने कहा कि आज उनकी घर वापसी हुई है और वह अपने परिवार में वापस आई हैं। विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूं और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इतने कहूँगी, मेरी ये घर वापसी है और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूं और इसकी मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पारुल साहू को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और इस दौरान उन्होंने भाजपा और शिवराज सिंह पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज अपनी जेब में नारियल लेकर चलते हैं, वो जहां भी जाते हैं नारियल फोड़ देते हैं और घोषणा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पारुल साहू ने मध्य प्रदेश की सच्चाई को पहचानते हुए कांग्रेस का साथ दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने प्रदेश की तस्वीर देखते हुए सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका परिवार आप जानते हैं कांग्रेस का ही रहा है। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश के रहे। पारुल साहू के कांग्रेस में जाने से गोविंद सिंह को झटका लगा है और उनके सारे चुनावी समीकरण गड़बड़ा गए हैं। पारुल साहू की सुर्खी इलाके में पर्याप्त पकड़ है, वे इस इलाके में खासी लोकप्रिय भी हैं। गोविंद सिंह से इलाके के कांग्रेसी पहले से ही नाखुश थे। बीजेपी के स्थानीय नेता गोविंद सिंह राजपूत को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ऐसे में गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक चुनाव को एक तरफा बता रहे थे, वहां अब पेच फंस गया है और चुनाव कांटे का हो गया है। फिलहाल गोविंद सिंह राजपूत की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा कि सुर्खी का चुनाव अब उतना आसान नहीं रह गया है। गोविंद राजपूत की टीम जिस एक तरफा जीत की बात कर रही थी, अब हालात सुर्खी में वैसे नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेलिया साहब हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ गए हैं वो हमसे। पटेलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक जानना चाहते हैं कि सुर्खी का चुनाव गोविंद सिंह राजपूत के लिए अब क्या उतना ही आसान रह गया है? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ा मामला यह है कि पारुल साहू के भाजपा से कांग्रेस में आ जाने के बाद अब गोविंद सिंह राजपूत की राह आसान नहीं है। 2013 में उन्होंने ही भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गोविंद सिंह राजपूत का किला तोड़ा था। इसके पहले वो दो बार लगातार इस क्षेत्र से चुनाव जीते रहे। पटेल साहब, मैं ये जानना चाहता था कि पारुल साहू जो हैं वो कांग्रेस के लिए कितनी असरकारक साबित हो सकती हैं? दरअसल इसके पीछे पारुल का अपना बैकग्राउंड है। उनके पिता संतोष साहू बड़े लेकर बारन हैं, होटेलियर हैं, रियल एस्टेट में डील करते हैं और उस क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि गोविंद राजपूत के धनबल और बाहुबल से कोई निपट नहीं सकता और भाजपा प्रत्याशी इसलिए टिक नहीं पाता है। लेकिन बाद के क्षणों में, बाद के दिनों में, जब पारुल साहू का और तत्कालीन भाजपा के जिलाध्यक्ष का विवाद हुआ, पारुल साहू नाराज हुई और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो सुधीर यादव को टिकट दिया गया और सुधीर यादव काफ़ी बुरी तरह से ये चुनाव गोविंद राजपूत से हार गए। तब सुधीर यादव को लगभग 44% वोट मिले थे और 55% के आसपास वोट गोविंद राजपूत को मिले थे, यानी 15% के आसपास का फर्क था। जी पटेल साहब, तो ये माना जाए कि गोविंद सिंह राजपूत अब संकट में है, उनके लिए संकट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब आपका पुराना प्रत्याशी मैदान में हो और टेस्टेड एक अपोनेंट आपके सामने हो, तो निश्चित तौर पर राह आसान तो नहीं कही जा सकती है।
आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी को। पटेरिया जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।